हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आजकल एग्जाम चल रहे हैं और उससे संबंधित हिंदी मिरर की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को कंटेंट दिया जा रहा है। उनसे रिलेटेड जो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको प्रीवियस पेपर के सभी दिए गए हैं। 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड किए गए थे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और आजकल आपको बुक के थ्रू हम तैयारी करा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपकी इतनी मोटी बुक होती है, इतने सारे आपके कंटेंट होते हैं, इतने सारी यूनिट्स होती हैं, तो आप उसमें से क्या पढ़ें, आप उस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमेशा हिंदी मिरर आपकी हेल्प करता है। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसी हेल्पिंग वीडियो के लिए। और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी जैसे जैसे आपके लिए हेल्पफुल होती हैं वीडियो, तो आपके शेयर करने से सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और आज आपका जो है तीसरा पेपर हुआ था, तो किस तरह के आपके पेपर जा रहे हैं ऐसी वीडियो मिलने के बाद, तो अगर आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं और आपकी काफ़ी हेल्प हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस प्रकार के आपके पेपर हो रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं या नहीं, और क्या कंटेंट आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आप हिंदी परिवार का हिस्सा बन जाइए और आपको आने वाले टाइम में इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो ये जो हम अभी लेकर आए हैं 201 यानी 202, अभी इससे पहले वीडियो हमने अपलोड की थी 102 हिस्ट्री, और अब हम लेकर आए हैं 202 हिस्ट्री, यानी कि आपका सेकंड पेपर। तो पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको मालूम ही है, और ये ब्लॉक में ही आपका डिवाइड है, जितना भी आपका सिलेबस है ये ब्लॉक में डिवाइड है। और यहाँ पर 6 से 7 आपके ब्लॉक हैं, तो इस प्रकार से हर ब्लॉक में आपकी 4 यूनिट हैं, तो इसमें मतलब होगी आपकी 28 यूनिट। तो 28 यूनिट तो आप नहीं पढ़ सकते हो, और अगर आप 28 यूनिट भी आप पढ़ते हैं, तो आप सारे टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। तो हिंदी मिरर की तरफ से आपको 28 में से उसका हाफ कर दिया जाएगा, यानी कि 14 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, और इन 14 टॉपिक में से 99% आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ये आपने देखा भी होगा आज के पेपर में। तो चलिए आज का शुरू कर देते हैं, बता देते हैं किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव क्या है, कारण क्या रहे, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिए, और इसका विकास, ठीक है, 99% जरूर आएगा, यही टॉपिक वापस कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन यूनिट में से आप क्या तैयार करोगे, भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उदय कैसा हुआ, बस यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, और इसके कारण क्या रहे, बस यही तैयार करना है। नेक्स्ट यूनिट में आपका जा रहा है प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस की मांगें थी उदार राष्ट्रीय का मूल्यांकन, इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन उग्रवादी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे, और उग्र राष्ट्रवादी बंगाल और विभाजन, इसको करना चाहे कर लीजिए, लेकिन 2 टॉपिक तो आप जरूर कर लीजिए, 99% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, और विदेशों में ये आप पढ़ना चाहें, ठीक है, नहीं तो क्रांतिकारी आंदोलन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनेगा। और सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, और यहाँ पर आपको पढ़ना है होम रूल लीग आंदोलन के बारे में, ठीक है, तो 3 टॉपिक हो गए आपके यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर गांधी जी का प्रारंभिक राजनीति जीवन, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि आपके जो लास्ट प्रीवियस पेपर हैं उनमें आप चेक कर सकते हो। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका जा रहा है आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और चोरी चोरा कांड के बारे में आप पढ़ सकते हो, साइमन कमीशन के बारे में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रवाद का गांधी युग, तो यहाँ पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जरूर बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जरूर बनेगा, और वेवर योजना और शिमला योजना से भी जरूर बनेगा। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक फाइव में हम यूनिट कोई नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं पता नहीं चलता किस यूनिट से क्या पूछ लिया जाए, तो हम हर यूनिट से वही टॉपिक उठाते हैं कि जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके क्वेश्चन में राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी विचारधारा पढ़ लीजिए आप, बाकी अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू इसको भी कर लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर अपलोड किए थे वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद व सामाजिक वर्ग, यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, किसान व श्रमिक वर्ग, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बना था,
और यहाँ पर जनजातीय विद्रोह से भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एक बार जरूर देखना कि जो टॉपिक मैं बताती हूँ वहाँ वो टॉपिक आपको मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी आप चेक किया कीजिए। ठीक है, आगे है वायसराय संकल्पनाएं, और हम सातवीं यूनिट पर आपके आ चुके हैं, तो सातवीं यूनिट में छः यूनिट में देख लीजिए कहाँ एक टॉपिक यहाँ पर दलित आंदोलन भी आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, सॉरी किसान और श्रमिक वर्ग और जनजातीय विद्रोह, ये आप पढ़िएगा जरूर, तीनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी 99% जरूर क्वेश्चन आपका बनेगा। सातवीं यूनिट पर संकल्पनाएं विचार, अब देखिए इतने सारे टॉपिक हैं कि आप पढ़ोगे इतने सारे नहीं पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना भी यहाँ से ज़रूरी है। लेकिन क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, एक तो आप यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये दो तीन बार आपका रिपीट हुआ है, और हंटर कमीशन भी आपका रिपीट होता है, और उदारवादी भी रिपीट होता है, तीन आप पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हो अनुशीलन समिति के बारे में, और नीचे आप SIO सविनय, फिर यहाँ पर स्वावलंबन भी पढ़ सकते हो, फिर सांप्रदायिकता, संविधान जरूर पढ़िए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा, और एक रेडक्लिफ रेखा भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हर साल मैंने देखा रिपीट होता है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे वहाँ पर ये रिपीट हो रहा था, तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक टॉपिक मैंने आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन और वेवल योजना, एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकती 35 वाला सरकारी अधिनियम भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अंदर से मैं आपको बता देती हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ वो किस प्रकार से आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो अब आ गए हम फर्स्ट यूनिट पर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म और कारण, इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखता है कि टॉपिक कितना लेंथी जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रथम अधिवेशन में इसके कारण क्या रहे हैं, है ना, तो कारण अब जब मैंने आपको बता दिया है कि कारण आपको सारे पढ़ने हैं, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म पढ़ लीजिए किस प्रकार से हो, फिर इसके कारण क्या रहे, तो प्राचीन मध्यकालीन भारत में 19वीं शताब्दी में विकास के कारण कांग्रेस प्रवर्तन, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो ये यहाँ पर जो कारण के टॉपिक है, अगर इनके हेडिंग भी आप डालकर आते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा भी आप लिख कर आते हैं, तो 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि पढ़ते सभी हैं, हम सब एक सा ही काम करते हैं, लेकिन उस काम को करने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग होता है, और वो जो अलग तरीका होता है वो ही आपको सबसे अलग बनाता है। बस ये चीज़ मानकर चलिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता है, कमेंट बॉक्स में आज का पेपर कैसा हुआ ये भी ज़रूर बताइए।